हेलो गाइस, माई सेल्फ मनीष यादव। आई हैव टेल अबाउट 5 ईयर प्लान। ओके गाइस, 5 ईयर प्लान को 12th, यानी कि 5 ईयर प्लान के अंदर हमें 12th प्लान को देखते हैं, यानी कि 12 प्लान इंक्लूड किए गए हैं, जिसके अंदर इस वीडियो में 5, यानी कि 5 ईयर प्लान से स्टार्टिंग है। बाकी जो 4th ईयर प्लान थी वो पहले वाली वीडियो में है, तो उस वीडियो का मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ओके, अब देखते हैं 5 ईयर प्लान। 5 ईयर प्लान के अंदर पहली चीज़ आती है कि 5th 5 ईयर प्लान, यानी कि 5वां 5 ईयर प्लान में क्या होता है। ऑब्जेक्टिव, यानी इसके ऑब्जेक्टिव यानी इसके उद्देश्य देख लेते हैं। प्रोवाइड मिनिमम पब्लिक हेल्थ फैसिलिटी, प्रोवाइड यानी उपलब्ध कराना, मिनिमम यानी सामान्य, पब्लिक हेल्थ फैसिलिटी यानी सुविधाएं, यानी कि एक जनता के, यानी कि जो जनता की जो स्वास्थ्य की जो सुविधाएं हैं, यानी कि पब्लिक हेल्थ फैसिलिटी हैं, प्रोवाइड कराता है। विद किसके साथ? अपनी फैमिली प्लानिंग के साथ, न्यूट्रिशंस के साथ, फॉर वैल्यूनरेबल ग्रुप, यानी कि जो वैल्यूनरेबल्स जो ग्रुप पाए जाते हैं, जैसे चिल्ड्रंस, प्रेग्नेंट वुमेन, फीडिंग मदर आदि, ठीक है, इनको क्या करता है, जो हेल्थ फैसिलिटी होती है वो प्रोवाइड कराता है। दूसरा ऑब्जेक्ट क्या होता है? एम्फेसिस ऑन रिमूविंग इम्बैलेंस इन रेस्पेक्ट ऑफ मेडिकल फैसिलिटी। एम्फेसिस यानी जोर डालना। ये क्या करता है? जो मेडिकल फैसिलिटीज, यानी कि जो मेडिकल की जो सुविधाएँ हैं, उनको रेस्पेक्ट के अंदर रखते हुए क्या करता है, इम्बैलेंस को रिमूव करता है। यानी कि जो इम्बैलेंस हो जाता है अपनी मेडिकल फैसिलिटीज़ के अंदर, उनको हटाने के अंदर जोर डालता है। एम्फेसिस यानी जोर डालना। एंड स्ट्रेंथनिंग द हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इन रूरल एरिया। और जो स्ट्रेंथनिंग यानी मजबूताई करना किसकी, यानी कि जो रूरल, जो ग्रामीण क्षेत्र होते हैं उनके अंदर जो अपनी हेल्थ सर्विसेज होती हैं उनकी क्या करता है, मजबूताई, यानी उनको सही तरीके से चलाता है। इंक्रीज एसेसिबिलिटी ऑफ हेल्थ सर्विसेज इन रूरल एरिया। इंक्रीज यानी बढ़ाना, यानी कि जो किसको जो है अपनी हेल्थ की जो सर्विसेज होती हैं उनको, जो ग्रामीण क्षेत्र के अंदर होता है उनके अंदर उनको बढ़ावा करता है। डेवलपमेंट ऑफ द रूरल एरियाज, यानी कि जो ग्रामीण क्षेत्र होते हैं उनका विकास करता है, ठीक है। उसके बाद इंटेंसिफिकेशंस ऑफ कंट्रोल, यानी कि क्या करना, जो भी हम इन कंट्रोल एंड इराडिगेशन ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज, यानी कि जो भी हमारी कम्युनिटी के अंदर जो डिजीज होती हैं, जो भी कम्युनिकेबल डिजीज होती हैं, उनको क्या करता है, कंट्रोल करना और इराडिगेशन यानी कि दूर करना, ठीक है। जैसे कौन कौन सी हमारी जो कम्युनिटीज होती है उसके अंदर कौन कौन सी कम्युनिकेबल डिजीज देखी जाती है, पहली चीज़ जैसे मलेरिया, स्मॉल पॉक्स जो 1974 के अंदर आया था, ठीक है, लेप्रोसी वगैरह, ये सब क्या होती हैं, कम्युनिकेबल डिजीज होती हैं। तो इनको क्या करता है, कंट्रोल और इराडिकेशन के अंदर एक इम्पोर्टेंट काम करने के लिए ये अपना एक उद्देश्य बनाता है। ओके, अब देख लेते हैं कि 5 ईयर प्लान के अंदर कौन से सन के अंदर क्या चीज़ आई और उसने क्या प्रस्ताव यानी कि क्या प्रोविज़न दिया। 1962 के अंदर एक प्रोग्राम लॉन्च हुआ स्मॉल पॉक्स का, यानी कि स्मॉल पॉक्स प्रोग्राम क्या किया गया, लॉन्च किया गया, यानी कि लाया गया। उसके बाद 1975 के अंदर क्या हुआ, एक कमेटी आई जिसका नाम था श्रीवास्तव कमेटी। श्रीवास्तव कमेटी ने क्या किया, इंडिया डिक्लेयर्ड स्मॉल पॉक्स फ्री, यानी कि जो इंडिया यानी भारत के अंदर जो स्मॉल पॉक्स की जो डिजीज़ थी उनको क्या कर दिया, फ्री कर दिया, यानी कि स्मॉल पॉक्स से इंडिया क्या हो गया, मुक्त हो गया। उसके बाद क्या किया, 1977 के अंदर क्या हुआ, रूरल हेल्थ स्कीम लॉन्च्ड। ओके, रूरल हेल्थ स्कीम यानी ग्रामीण क्षेत्र के अंदर जो अपनी हेल्थ की जो स्कीम है जिनका ग्रामीण लोग उपयोग नहीं उठा पाते हैं उनको क्या किया, लॉन्च्ड किया। उसके बाद 1973 के अंदर क्या हुआ, मल्टीपर्पज़ वर्कर स्कीम लॉन्च्ड, यानी कि जो मल्टीपर्पज़ वर्कर थी ना, वर्कर स्कीम थी, उसको स्कीम को क्या किया गया, लॉन्च्ड किया गया। उसके बाद क्या गया, 1973 के बाद 5th ईयर प्लान के अंदर एक एनुअल प्रोग्राम चलाया गया जो 1972 से 1980 तक चला। ओके, उसके बाद देख लेते हैं 6th 5 ईयर प्लान, यानी कि 6th 5 ईयर प्लान के अंदर क्या होता है, प्रोग्राम रिडक्शन इन इंसिडेंस ऑफ पॉवर्टी, यानी कि जो गरीबी की जो संभावनाएं होती हैं उनको रिडक्शन यानी हटाना या दूर करना, वो प्रोग्राम के
प्रोग्राम का इसका ऑब्जेक्ट था। एंड अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि जो बेरोजगार लोग होते हैं इनके यानी कि गरीबी और बेरोजगारी को दूर करने के लिए इसका एक ऑब्जेक्ट था। प्रमोटिंग पॉलिसी फॉर कंट्रोलिंग पॉपुलेशन ग्रोथ, प्रमोटिंग प्रमोट करना, बढ़ावा देना, पॉलिसीज यानी कि एक पॉलिसी को फॉर के लिए कंट्रोलिंग पॉपुलेशन ग्रोथ यानी कि जो भी जनसंख्या वृद्धि उसके कंट्रोल के लिए क्या किया, एक पॉलिसी को प्रमोट किया। यानी कि इसका काम क्या था कि पॉलिसी को प्रमोट करना अपनी जनसंख्या वृद्धि को कंट्रोल करने के लिए थ्रो किसके द्वारा, वॉलंट्री एक्सेप्टेंस ऑफ स्मॉल फैमिली नॉर्म्स यानी कि जो भी वॉलंट्री एक्सेप्टेंस होते हैं स्मॉल फैमिलीज के अंदर, जैसे कम बच्चे यानी कि हम दो हमारे दो वाला नारा आपने सुना होगा, ठीक है, ये एक पॉपुलेशन जो ग्रोथ है उसको कंट्रोल करने का महत्वपूर्ण है। दूसरी बात फैमिली प्लानिंग, अनेक फैमिली प्लानिंग वगैरह चल रही हैं उनका उपयोग करना जिससे क्या होता है अपनी पॉपुलेशन ग्रोथ कंट्रोल हो जाती है। टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ पीपल, इम्प्रूव यानी बढ़ाना, क्वालिटी यानी गुणवत्ता ऑफ लाइफ ऑफ पीपल यानी कि जो लोगों की जो जिंदगी की जो गुणवत्ता है उसको क्या करना, इम्प्रूव करना यानी कि उनके रहन सहन वगैरह को क्या करना, इम्प्रूव करना, ठीक है। इसने एक प्रोग्राम किया कौन सा, MNP प्रोग्राम यानी कि मिनिमम नीड प्रोग्राम एंड यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, ये दोनों प्रोग्राम चलाए गए किसके लिए, लोगों की लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए यानी कि उसकी लोगों की लाइफ की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए ये दो प्रोग्राम चलाए गए। इन दो प्रोग्राम का नाम कौन कौन सा था, MNP मिनिमम नीड प्रोग्राम और यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। मिनिमम नीड प्रोग्राम कंटिन्यूटेड विद द सेम ऑब्जेक्ट यानी कि जो ये मिनिमम प्रोग्राम यानी कि MNP जो प्रोग्राम था वो कंटिन्यू यानी लगातार चला विद यानी के साथ एक सेम यानी कि एक समान उद्देश्य के साथ यह जो प्रोग्राम था यह लगातार चला। लॉट ऑफ हैव वर्कर फॉर सबसिक्वेंट 5-year प्लान यानी कि जो भी वर्कर थे सबसिक्वेंट 5-year प्लान्स के लिए उनको लॉट ऑफ यानी कि लाया गया है, बहुत ज़्यादा मात्रा में किया गया। द प्लानिंग कमीशन कंस्टिट्यूटेड 8 वर्किंग ग्रुप यानी कि जो ये इस 6th 5-year प्लान के अंदर एक प्लानिंग की गई थी, एक प्लानिंग की गई थी जिसके अंदर क्या किया, 8 काम किए गए यानी कि 8 वर्किंग यानी उस ग्रुप के द्वारा 8 काम, वो कौन कौन से थे, हेल्थ केयर डिलीवरी यानी कि जो डिलीवरी होती है वो हेल्थ केयर डिलीवरी दी गई यानी कि जो घर घर पे अपनी मेडिसिन वगैरह ये चीज़ पहुंचाना, ये क्या किया गया, हेल्थ केयर डिलीवरी, उसको बताना कैसे रहना है कैसे नहीं रहना। उसके बाद पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन एंड मैटरनल चाइल्ड हेल्थ एक्टिविटी, पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन यानी पॉपुलेशन को स्टेबल यानी एक स्थिर यानी स्थिरता एक स्थिर करने के लिए, एंड मैटरनल और जो माता और जो बेबी होती है ना यानी मैटरनल चाइल्ड्स का मतलब माता और बच्चे की जो हेल्थ की एक्टिविटीज होती है ना उनको, उनके लिए इसने एक प्रोग्राम किया, ठीक है, जो इसके ग्रुप के थे उनका ये काम था, ठीक है, यानी कि पॉपुलेशन को स्टेबलाइजेशन करना और मैटरनल चाइल्ड हेल्थ की एक्टिविटी को देखना। उसके बाद कंट्रोल ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज यानी कि जो कम्युनिटी के जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज हैं उनको क्या करना, कंट्रोल में रखना। मेडिकल या हेल्थ रिसर्चर यानी कि जो मेडिकल या हेल्थ के ऊपर क्या करना, रिसर्च करना। मेडिकल एजुकेशन ट्रेनिंग एंड मैन पावर प्लानिंग, मेडिकल एजुकेशन ट्रेनिंग यानी कि जो मेडिकल एजुकेशन ट्रेनिंग देना, मेडिकल की एजुकेशन से ट्रेनिंग करना, मैन पावर प्लानिंग बनाना। उसके बाद हेल्थ आई ई सी यानी कि हेल्थ आई ई सी का इसका एक इस ग्रुप का एक काम था। आई ई सी का मतलब इंफॉर्मेशन देना, एजुकेशन देना और कम्युनिकेशन नॉर्म्स करना, ओके, यानी कि उनको इन्फॉर्मेशन सूचनाएं देते हैं, एजुकेशन के बारे में बताते हैं और कम्युनिकेशन के बारे में बताते हैं कैसे कम्युनिकेशन करें। उसके बाद आता है 7th 5-year प्लान। 7th 5-year प्लान के क्या ऑब्जेक्ट थे यानी कि 7th 5-year प्लान के कुछ ऑब्जेक्ट्स थे वो क्या थे, टू एस्टिमेट पॉवर्टी एंड इलिटरेसी, एस्टिमेट यानी एस्टिमेट करना, जांचना यानी कि अब जो भी गरीबी थी या साक्षरता थी, इलिटरेसी असाक्षरता थी उसको क्या करना, एस्टिमेट करने के लिए क्या गया, अचीव नियर फुल एम्प्लॉयमेंट, अचीव यानी कि प्राप्त करना यानी कि जो भी एम्प्लॉयमेंट जो कि रोजगार यानी फुल रोजगार क्या करना, रोजगार के लिए यानी कि फुल रोजगार मिले लोगों को, इसके लिए इसका एक ऑब्जेक्ट था। सिक्योर बेसिक नीड ऑफ फूड क्लोथ एंड शेल्टर,
यानी कि जो भी लोगों की जो बेसिक नीड होती हैं, जैसे फूड यानी भोजन होता है, क्लोथ यानी कपड़े और शेल्टर वगैरह, इनका क्या करना, प्रॉपरली लोगों तक पहुंचाना, इसका एक ऑब्जेक्ट था। रिकॉग्नाइजिंग ऑफ हेल्थ सर्विसेज इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि रिकॉग्नाइजेशन करना किसका, जो भी हेल्थ सर्विसेज होती हैं उनका रिकॉग्नाइज किया गया। अडॉप्शन यानी कि प्राप्त करना नेशनल हेल्थ पॉलिसी, यानी कि जो भी नेशनल हेल्थ पॉलिसीज हैं इसके लिए, यानी अपनी हेल्थ को बढ़ावा देने के लिए, उन सभी को क्या करना, प्राप्त करना। स्ट्रेंथन हेल्थ एजुकेशन एंड रिसर्च, स्ट्रेंथन यानी मजबूत, जो भी अपनी हेल्थ से संबंधित जो एजुकेशन शिक्षा हैं, जो भी रिसर्च की गई उनको स्ट्रेंथ करना। एंड कंट्रोल कम्युनिकेबल डिजीज, और क्या करना, जो भी कम्युनिकेबल डिजीज होती हैं उनको कंट्रोल करना। एम्फेसिस ऑन फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम, एम्फेसिस यानी जोर डालना, वेलफेयर यानी कल्याणकारी प्रोग्राम, यानी कि जो भी हमारी फैमिली के अंदर जो कल्याणकारी प्रोग्राम होते हैं उनके ऊपर जोर डालना, इसका एक ऑब्जेक्ट था। वर्किंग ग्रुप प्लान वर एफिलिएटेड, यानी कि जो इसका जो वर्किंग ग्रुप है, यानी कि 7th 5-year प्लान का वर्किंग ग्रुप है, वो क्या करता है, एक एफिलिएटेड था। ठीक है, ये चीज़, ये ऑब्जेक्ट थे अपने 7th 5-year प्लान के। अब देख लेते हैं 8th 5-year प्लान के अंदर क्या क्या चीज़ हुई, यानी कि 8th 5-year प्लान का क्या क्या ऑब्जेक्ट था। अंडर मिनिमम नीड प्रोग्राम बाय 2001, यानी कि 2001 में जो MNP प्रोग्राम था उसके अंडर में क्या क्या ऑब्जेक्ट थे इसके। मिनिमम नीड प्रोग्राम यानी MNP, यानी कि MNP के आधार के द्वारा, यानी कि MNP के अंडर में इसके क्या क्या प्रोग्राम, यानी कि PSC एस्टेब्लिश की गई, यानी कि इसका मेन ऑब्जेक्ट था कि PSC एस्टेब्लिश करना, यानी कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर को एस्टेब्लिश करना। और प्राइमरी हेल्थ सेंटर को कैसे एस्टेब्लिश करते हैं, 30,000 इन प्लान्स, यानी कि जो 30,000 जनसंख्या है, जो प्लान एरिया होते हैं ना, प्लान एरिया यानी कि जहाँ पर उबड़ खाबड़ पहाड़ियाँ वगैरह नहीं होती हैं, उसके अंदर एक PSC 30,000 की पॉपुलेशन के आधार पर एस्टेब्लिश होनी चाहिए। और जो ट्रिबल यानी कि पहाड़ी और हिली क्षेत्र होते हैं ना, बर्फीले वगैरह, ये ऐसे क्षेत्र होते हैं, उबड़ खाबड़ बर्फीले पहाड़ी क्षेत्र, इनके अंदर क्या होना चाहिए, 20,000 की पॉपुलेशन के ऊपर एक PSC एस्टेब्लिश होनी चाहिए। अब वन सब सेंटर, यानी कि PSC के बाद एक सब सेंटर कैसे एस्टेब्लिश होना चाहिए, यानी कि सब सेंटर यानी कि 5,000 इन प्लान, यानी कि 5,000 की जहाँ पर जनसंख्या होती है प्लान एरिया के अंदर, वहाँ पर सब सेंटर होना चाहिए। और ट्रिबल और हिली एरिया यानी कि पहाड़ी क्षेत्रों के अंदर 3,000 की जनसंख्या के ऊपर एक सब सेंटर एस्टेब्लिश किया जाता है। वन कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, यानी कि एक कम्युनिटी हेल्थ सेंटर कहाँ पर एस्टेब्लिश होगा, 1,00,000 पॉपुलेशन से, यानी कि जहाँ पर 1,00,000 जनसंख्या होती है ना, वहाँ पर एक कम्युनिटी हेल्थ सेंटर डाला जाता है, CHC डाला जाता है। उसके बाद 8th 5-year प्लान के क्या ऑब्जेक्ट थे, पॉपुलेशन को कंट्रोल करना, यानी कि जनसंख्या वृद्धि के अंदर रोक लगाना। उसके बाद सेव ड्रिंकिंग वाटर, यानी कि जो पीने का पानी है वो सेव करना, साफ पीना। और इन 1992 यानी कि इन 1992 यानी कि 1992 के अंदर क्या किया गया, CSSM प्रोग्राम स्टार्टेड, यानी कि CSSM प्रोग्राम क्या किया गया, चालू किया गया। अप्रोच यानी पहुंचना टुवार्ड्स, यानी की तरफ, मैन पावर डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम, यानी कि जो भी अपने जो ट्रेनिंग प्रोग्राम थे या मैन पावर जो डेवलपमेंट, यानी कि मैन पावर का जो विकास, डेवलपमेंट विकास था, उनकी तरफ पहुँचना ही इनका क्या कहता है, एक मैन ऑब्जेक्ट था। ठीक है,